केवल अपनी कलम के दम पर पूरी दुनिया को झकझोर देने वाले लेखकों में नायपॉल की गिनती की जाती है। इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने लेखन के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। उन्हें बुकर पुरस्कार और साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। उनकी कृतियों में उनके क्रांतिकारी विचारों की झलक मिलती है। नायपॉल की पहली किताब द मिस्टिक मैसर साल 1951 में प्रकाशित हुई थी। अपने सबसे चर्चित उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास को लिखने में उन्हें 3 साल से ज्यादा वक्त लगा। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें अब तक कई पुरस्कार मिल चुके हैं। साल 2008 में द टाइम्स ने 50 महान ब्रिटिश लेखकों की सूची में नायपॉल को 7वां स्थान दिया था। खास बात तो यह थी कि इस लिस्ट में 1945 से बाद की कृतियों को जगह दी जानी थी।